वाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। देखिए नारद जी आज पृथ्वी पर भ्रमण करने आए और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि आज का मानव जीवन जो है कितना आसुरी हो चुका है। आज वो ऐसे ऐसे व्यसन में फंस चुका है, ऐसे ऐसे कर्म करने लगा है, ऐसे ऐसे उसकी विचारधाराएं हो गई हैं कि वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है कि मैं हूं क्या। नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः। नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः। आज का व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि हर जगह झूठ के हमारे पास उपकरण आ गए। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे पास फोन आता है, कहेंगे भैया कहाँ पहुँचे, तो रहेंगे दिल्ली और बताएंगे आगरा पहुँचे। तो ये एक क्या है, ये झूठ का एक साधन बन गया। मोबाइल क्या हो गया, झूठ का एक साधन। ना चाहते हुए भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः, सत्य नहीं है और तप। दूसरा क्या बता रहे हैं, तप, क्योंकि आज के व्यक्ति को तप भी करना नहीं आता। अगर उसे कह दीजिए कि आप एक घंटे धूप में चलो, एक घंटे धूप में आप बैठो, यज्ञ करो, हवन करो, अग्नि के सामने बैठकर हम 10 मिनट यज्ञ नहीं कर सकते, तो हम उल्टे लटक कर पेड़ में लटक कर कैसे तपस्या कर सकते हैं। ये बहुत विचारणीय बात है, क्योंकि तप ही है। जब तक आप तपोगे नहीं, जब तक आप रगड़े नहीं जाओगे, तब तक आप में चमक नहीं आएगी। जिस प्रकार एक आप जरा विचार करिए, कुम्हार होता है, कुम्हार जब वो मिट्टी के घड़ों को बनाता है ना, तो वो उस मिट्टी के घड़े पर प्रहार करता है, किससे, हथौड़े से प्रहार करता है, लेकिन अंदर से वो हाथ को भी लगा के रखता है। अब अगर मिट्टी ये सोचे या पत्थर ये सोचे कि मेरे ऊपर प्रहार हो रहा है छीनी हथौड़ी से, तो क्या वो फिर मूर्ति बन सकती है क्या, वो घड़ा या कुछ वो बन सकता है क्या? असंभव है। क्यों? क्योंकि तपना पड़ता है, तप तप करना ही पड़ता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को तप करना चाहिए, क्योंकि तप से ही सारी चीजें संभव हो सकती है। तपस्या केवल ये नहीं कि आप पेड़ पे लटकिए या नाक बंद करके या एक पैर पे खड़े होकर के या भोजन पानी, नहीं नहीं, तपस्या का मतलब कि अपने काम को ही ईमानदारी से करिए, वही तप है। सबसे बड़ा तप वही है, ईमानदारी से आप मेहनत करिए, इससे बड़ा तप क्या हो सकता है। फिर कहते हैं शौचम दया दानम न विद्यते। कहते हैं शौचम माने पवित्र। आज के समय में लोगों के अंदर पवित्रता नहीं रह गई। पवित्रता का मतलब, पवित्रता का मतलब ये नहीं कि बाहर की सफाई कर लिए, धूल मिट्टी को साफ कर लिए, डेली आरओ के पानी से स्नान कर रहे हैं, अच्छे अच्छे साबुन लगा रहे हैं, ये नहीं है। शौचम का मतलब पवित्र। पवित्रता का मतलब कि आपका मन पवित्र हो। जब आपका मन पवित्र होगा, तभी आपके हृदय रूपी घर में ठाकुर जी अपना निलय बना करके उसमें प्रवेश करेंगे। कैसे? जिस प्रकार हम घर में डेली साफ सफाई करते हैं, सभी लोग सफाई करते होंगे, क्यों? क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, इसलिए हम साफ सफाई करते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने हृदय रूपी घर को साफ नहीं करोगे, उसको पवित्र नहीं करोगे, तो फिर कैसे ठाकुर जी का निवास होगा वहाँ पर, जरा आप विचार करिए। ठाकुर जी आते हैं अपने जो है अपने गणों के साथ आते हैं, उनके पार्षद होते हैं, तो वो हमारे कान रूपी छिद्र से प्रवेश करते हैं और वहाँ प्रवेश करके फिर हमारे हृदय रूपी घर में आकर निवास करते हैं। तो कहने का भाव कि आप अपने मन को पवित्र बनाइए, अपने हृदय को पवित्र बनाइए, जिससे वहाँ पर ठाकुर जी का निवास हो सके, ठीक है ना? तो बोलिए राधे राधे राधे।